लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है, यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं। और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं पांचवी प्राण शक्ति की बात करता हूं, और वो पांचवी प्राण शक्ति है नागरिक का कर्तव्य। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, जिन जिन देशों ने कुछ अचीव किया है, व्यक्तिगत जीवन में भी जिसने अचीव किया है, कुछ बातें उभर करके सामने आती हैं। एक, अनुशासित जीवन। दूसरा, कर्तव्य के प्रति समर्पण। व्यक्ति की जीवन की सफलता हो, समाज की हो, परिवार की हो, राष्ट्र की हो, ये मूलभूत मार्ग है, ये मूलभूत प्राण शक्ति है। और इसलिए हमें कर्तव्य पर बल देना ही होगा। यह शासन का काम है कि बिजली 24 घंटे पहुंचाने के लिए प्रयास करे, लेकिन यह नागरिक का कर्तव्य है कि जितनी ज्यादा यूनिट बिजली बचा सकते बचाएं। हर खेत में पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का प्रयास है, लेकिन पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी बचाते हुए आगे बढ़ना, मेरे हर खेत से आवाज उठनी चाहिए।